दोस्तों भी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। एग्जाम बहुत पास है और इस तरीके के सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 50 मैंने ऐसे क्वेश्चन को शामिल किया है, यकीन करना आप परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो और जरूर बताना 50 क्वेश्चन लगाने के बाद में कि आपके कितने प्रश्न जो हैं सही होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, बी लिनियस, सी अरस्तु, डी मेंडल। तो बताइए पहले का राइट आंसर क्या होगा। तो यहां देखें पहले का जो राइट आंसर है वह है अरस्तु। अरस्तु यानी एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। वही मेंडल की हम बात करें तो मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, साथ में एक दो ऑप्शन को भी देखते चलेंगे, अगर चार ऑप्शन को मैं बताऊंगा तो काफी समय लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार है? तो ऑप्शन ए जीन, बी कोशिका, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी जीव द्रव्य। तो जीवन का भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है जीव द्रव्य को। ठीक है, यानी प्रोटोप्लाज्म को। ठीक है, तो यहां देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इसे कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? श्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, श्वान या डार्विन ने। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सर्वप्रथम कोशिका का जो पता लगाया था वह लगाया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। वहीं स्लाइडेन और श्वान की बात करें तो श्वान जो थे इन्होंने बताया था कि सभी जंतु जो है बहुत सारी सूक्ष्म कोशिकाओं से उनका शरीर मिलकर बना होता है। वहीं स्लाइडेन ने बताया था कि पादप जो शरीर बना होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इन दोनों ने ही श्वान और स्लाइडेन ने दिया था कोशिका सिद्धांत। ठीक है, ये भी आप याद रखना। मैंने अपने वीडियो लेक्चर में ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कराए हैं। जो भी भाई बहन हमारे नए हैं और इस सेट को लगा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। एक बार जो है मेरे कहने से आप एक बार हमारे वीडियो लेक्चर अवश्य देखना, बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी हैं प्लेलिस्ट में आप विजिट जरूर करना। ठीक है, आपको यकीनन बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। आगे देखिए, ये देखिए चौथा क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? अभी बताया था आपको, तो कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक या कोशिका द्रव्य। तो कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का बिजलीघर बोलें या कोशिका का पावर हाउस बोलें या शक्ति केंद्र बोलें, ठीक है, ये एक ही बात होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। ठीक है, वहीं लाइसोसोम है, यहां से भी प्रश्न जो बनता है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघात की थैली, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना। चलिए आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न, निम्न में कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? कोशिका भित्ति, पौधहरित, सेंट्रियोल और उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिसमें पादप कोशिका जंतु कोशिका से विभेदित करती है, तो इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखिए पौधहरित ये पेड़ पौधों में यही पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, सेंट्रियोल भी केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये मैंने अपनी वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझाया था। ठीक है, पौधहरित के बारे में बताया था, क्लोरोफिल के बारे में, इसका क्या काम होता है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मैंने वहां पर कराए हैं। ठीक है, तो चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं, निम्न में किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? देखिए अभी मैंने ऊपर आपको बताया था ऑप्शन में, राइबोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिका, सेंट्रोसोम। तो बताइए छठवें का कौन सा राइट आंसर होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था, देखिए यहां पर बताया था लाइसोसोम, तो लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखना। चलिए आगे चलते हैं, देखिए सातवां प्रश्न है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया? वाटसन एंड क्रिक, स्लाइडेन एवं स्वान, रॉबर्ट हुक, ग्रेगर मेंडल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है वाटसन एंड
क्रिक, वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, वहीं स्लाइडन एंड स्वान ने कोश का सिद्धांत दिया था, ग्रेगर जोहन मेंडल ने अनुवांशिकी की खोज की थी और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आठवां प्रश्न, डीएनए का प्रमुख कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय परिवहन, अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। तो डीएनए का क्या काम होता है? तो डीएनए क्या करता है? अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नौवां प्रश्न है, आरएनए पाया जाता है, आरएनए कहां पाया जाता है? कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आरएनए जो पाया जाता है दोस्तों वह पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दसवां प्रश्न है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? अभी मैं दो तीन बार आपको बता चुका हूं, शायद आपको याद हो, ये अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? लेमार्क, डार्विन, मेंडल, अरस्तु। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है, अरस्तु के बारे में अभी देखा था, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बताइए? 46, 47, 56, 57। तो इसका जो राइट आंसर है बताइए वह है ऑप्शन ए, 40 गुणसूत्र जो है मनुष्य में पाए जाते हैं, और गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, ये भी आप याद रखना। ठीक है, ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया है। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन से हैं? वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम या उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, ये जो जेनेटिक जो डिसीजेस होती हैं वह वर्णांधता भी जेनेटिक है, हीमोफीलिया भी जेनेटिक है, टर्नर सिंड्रोम भी जेनेटिक है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं, लड़का पैदा होता है जब, बताइए लड़का पैदा होगा जब XX गुणसूत्र हो, XXX गुणसूत्र हो, XY गुणसूत्र हो या YY गुणसूत्र हो। तो बताइए कब लड़के का जन्म होता है, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था। ठीक है, गुणसूत्र वाले टॉपिक में, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है XY गुणसूत्र हो। मैंने आपको बताया था कि फीमेल और मेल की हम बात करें तो फीमेल में XX गुणसूत्र बनते हैं और मेल में XY गुणसूत्र बनते हैं। जब X और X मिलते हैं तब लड़की का जन्म होता है, और महिला का X और पुरुष का Y मिलता है तब लड़के का जन्म होता है। यानी लड़के के जन्म के लिए जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो वह पुरुष होता है, क्योंकि Y गुणसूत्र केवल पुरुष में पाया जाता है, महिला में नहीं। ठीक है, चलिए 13 के बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 14वां क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में आयरन की कमी हो जाती है, रक्त का बहना बंद नहीं होता है, रक्त बनता ही नहीं है, रक्त में श्वेत रक्त कण मृत हो जाते हैं। तो 14 का जो राइट आंसर होगा बताइए कौन सा होगा? तो हीमोफीलिया जो रोग होता है उसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ब्लड क्लॉट का मतलब है रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इसका जो राइट आंसर है, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो रक्त का बहना बंद नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जब कहीं कट जाता है तो रक्त बहता ही जाता है, वो बंद नहीं होता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हीमोफीलिया रोग। आगे 15वां प्रश्न देखते हैं, जीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, यह अनुवांशिकी की इकाई है, यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है या उपयुक्त में से यानी सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए जीन के बारे में भी मैंने अच्छे से बताया है वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो जीन जो है जीनों के ग्रुप से जो है डीएनए का निर्माण होता है, और डीएनए के निर्माण मतलब ग्रुप बनने से जो है गुणसूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डीएनए का निर्माण ही जीनों के संगठन से होता है। यह अनुवांशिकी की इकाई है, हाँ यह जो है अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करती है, यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं।
देखिए, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? जगदीश चंद्र बोस, और वॉटसन, हरगोविंद खुराना, रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए? तो जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, हरगोविंद खुराना ने जो है जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, अरस्तु, हरगोविंद खुराना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वह है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? जैसे कि अभी हमने एक प्रश्न पढ़ा था कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाता है। तो जो अनुवांशिकी का जो प्रयोग किया था वो किस पौधे पर मेंडल ने किया था, पूछा ये जा रहा है। तो 18वें प्रश्न का जो राइट आंसर है बताइए कौन सा होगा? मटर, डहेलिया, सरसों, गेहूं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वह है मटर। मटर के पौधे पर इन्होंने जो है प्रयोग किया था। ठीक है, अनुवांशिकी संबंधी। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती? तो बताइए, जो कलर ब्लाइंडनेस जो रोग होता है उसमें किस रंग की पहचान नहीं होती? पहला ऑप्शन लाल पीला, दूसरा हरा पीला, लाल नीला, या लाल हरा। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, लाल हरा। ठीक है, लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती है वर्णांध व्यक्ति में। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? तो बताइए 20 का राइट आंसर कौन सा होगा? प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, ऑर्थोपोडा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है प्रोटोजोआ। ठीक है, जो प्रोटोजोआ होता है वो जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु होता है। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युगलीना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो बताइए, अमीबा और युगलीना किस संघ के अंतर्गत आते हैं? पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, एम्फीबिया, प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए, जो एक कोष के जो जंतु हैं अमीबा युगलीना, यह प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 22वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मेंढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो बताइए, मेंढक में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? त्वचा, क्लोमों, फेफड़ों, या इन तीनों से? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है बताइए किससे होगा? इन तीनों से। ठीक है, त्वचा, फेफड़ों, क्लोमों, इन तीनों के द्वारा मेंढक में श्वसन होता है। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में वास्तविक मछली है? स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, हिप्पोकैम्पस, सी ककंबर। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना काफी टफ हो जाते हैं जब आपने नहीं पढ़े हों। ठीक है, तो 23वां प्रश्न बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो मोस्टली बच्चों ने लगाया होगा स्टारफिश, क्योंकि फिश लग रहा है पीछे। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वह है हिप्पोकैम्पस। ठीक है, हिप्पोकैम्पस। चलिए आगे देखते हैं 24वां प्रश्न। मेंढक किस वर्ग का जंतु है? ऑस्टिकथीज, एम्फीबिया, सरीसृप, और कंड्रिकथीज। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए, 24वें का जो राइट आंसर है वह है एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया वर्ग का जंतु है मेंढक। चलिए आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन। स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठों का होता है? तो स्तनधारी जो होते हैं उनका हृदय कितने कोष्ठों का होता है, मतलब कितने चैम्बर में बटा होता है? 2, 3, 4, 5। तो बताइए, जैसे हम अपनी बात करें, हम स्तनधारी हैं, तो हमारा हृदय जो है कितने कोष्ठों में बटा हुआ है? तो अपना तो पता होगा ना, तो बताइए आप, अगर आपको अपना पता है तो आप बता देंगे। देखिए, स्तनियों का हृदय जो होता है वह 4 कोष्ठों में बटा होता है। ठीक है, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं 26वां प्रश्न है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? भैंस, बकरी, मनुष्य, व्हेल। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? स्तनधारी वर्ग में सबसे अधिक तापमान कौन से जंतु में पाया जाता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वह है बकरी।
ठीक है, बकरी में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं, मछलियां किस अंग से सांस लेती हैं? तो बताइए नाक, त्वचा, गिल या मुंह। तो ये तो आसान प्रश्न है, ये मोस्टली जो है बच्चों का सही जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गिल, ठीक है, गिल्स के द्वारा जो है मछलियां सांस लेती हैं। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा स्तनधारी है? हाथी, डॉल्फिन, मनुष्य, ब्लू व्हेल। तो ये भी आसान प्रश्न है, ये आपको बता सकते हैं, और ऐसे ही प्रश्न जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं ग्रुप डी वगैरह एग्जाम में, इतना टफ नहीं आता है, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू व्हेल। अगर नॉर्मल आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, तो ब्लू व्हेल, और ये पूछा जाए कि स्थल पर सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, तो हाथी आंसर आता है, ठीक है। ये दोनों प्रश्न जो अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 29वां प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है? एमू, कीवी, हमिंग बर्ड, गौरैया। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए इसका जो आंसर है वो है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। 30वां प्रश्न देखते हैं, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? तो बताइए कशेरुक जंतु, पहले मैं बता दूं कशेरुक जंतु कौन से होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं। तो एनेमल, दांत, जांघ की हड्डी, कलाई की हड्डी। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अरे अपने में, अपने को लेके बताइए, हम में सबसे जो है कठोर भाग कौन सा है हमारी बॉडी का? अगर ये आपने पढ़ा है तो आप यकीनन बताएंगे, अगर नहीं पता है तो देखिए वीडियो लेक्चर और अच्छे से समझिए, प्रत्येक टॉपिक को एक बेहतरीन ढंग से वहां पर तैयार कराया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 30 का जो राइट आंसर है वो है एनेमल, जो दांतों का जो एनेमल होता है, जो ऊपर की परत जो होती है वो सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है, कशेरुक जंतु में। 31वां प्रश्न देखते हैं, व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? देखिए मछली का भी हमने क्वेश्चन देखा था, मछली में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा। अब पूछा है व्हेल में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? गिल, त्वचा, फेफड़ा, मुंह। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सबसे पहले ये बताइए व्हेल क्या है? तो व्हेल में अभी हमने पढ़ा था ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी होता है, ये पढ़ा था ना अभी, ठीक है। तो व्हेल में हमें श्वसन कहां से होता है? फेफड़ों से। तो व्हेल में भी होता है फेफड़ों से, ठीक है, बेल में भी कहां से होता है? फेफड़ों से। चलिए आगे देखते हैं 32वां प्रश्न, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? जो आधुनिक आज का जो मानव है उसे जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? शिटीवेमा, कार्निवोरा, प्राइमेट्स और इंसेक्टिवोरा। तो बताइए 32वें का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए आधुनिक मानव को जो जंतुओं के जिस वर्ग में रखा जाता है उसका नाम है प्राइमेट्स, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, प्राइमेट्स। चलिए 33वां प्रश्न देखते हैं, ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? यानी ऊतकों के विज्ञान को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो बताइए साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी को जो है ऊतकों का विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। वहीं साइटोलॉजी की बात करें तो कोश का विज्ञान होता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो बाहरी संरचना, आकार, ठीक है। देखिए मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, आंतरिक संरचना का अध्ययन, ठीक है। मॉर्फोलॉजी होता है बाह्य संरचना का अध्ययन, यानी ऊपर से देखने में बॉडी कैसी है, मोटी है, लंबी है, उस तरीके से, ठीक है, ये होता है मॉर्फोलॉजी, ठीक है। चलिए 34वां प्रश्न देखते हैं, कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है ऊतक, अंग, अंग तंत्र या इनमें से कोई नहीं? तो 34 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? तो कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है ऊतक। तो देखिए ये ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं और कोशिका को सेल बोलते हैं, तो सेलों का जो ग्रुप होता है वह ऊतक होता है, ठीक है। और ऊतक यानी टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप से बनता है अंग यानी ऑर्गन, और ऑर्गन के अंगों के मिलने से यानी ऑर्गन से के ग्रुप से बनता है अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से ऊतक बनता है और बहुत सारे ऊतकों से जो है अंग बनता है, बहुत सारे अंगों से अंग तंत्र बनता है और पूरे अंग तंत्र मिलने के बाद में एक शरीर का निर्माण होता है। चलिए 35वां प्रश्न देखते हैं, पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? संयोजी,
पेशीय तंत्रकीय उपकला। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो पुनरुत्पादन की क्षमता जो है सबसे अधिक जो पाई जाती है वह उपकला में पाई जाती है। ठीक है, चलिए 36वां प्रश्न देखते हैं। शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है। बताइए जो हमारे शरीर में ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, कौन सा ऊतक ऐसा है, पेशीय संयोजी तंत्रिका उपकला। तो इसका जो राइट आंसर है वह है तंत्रिका। देखिए जब कंट्रोल करने की जब बात आती है तो माइंड पर ही पहुंचना चाहिए। ठीक है, पूरा ध्यान केंद्रित किया, जब भी क्वेश्चन ऐसा है तो पूरा ध्यान केंद्रित करना माइंड पे। ये क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला जो कुछ भी होता है हमारा माइंड होता है, यही हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र। और ये तंत्रिका जो शब्द होता है वो हमारे माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 37वां प्रश्न। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, पेशी संयोजी तंत्रिका उपकला। ये बहुत बार पूछा गया है ये वाला प्रश्न, रक्त जो है किस प्रकार का ऊतक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है संयोजी। तो रक्त जो है एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, चलिए 38वां क्वेश्चन देखते हैं। अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, हृदय अमाशय आहार नाल त्वचा। तो 38 का बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। अरेखित पेशी ऊतक पाए जाते हैं दोस्तों अमाशय के अंदर। ठीक है, अमाशय में अरेखित पेशी ऊतक पाए जाते हैं। 39वां प्रश्न देखिए, निम्न में संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं, लिम्फ हड्डियां प्रोटीन या ये सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो संयोजी ऊतक का काम ये तीनों करते हैं, लिम्फ भी करता है, हड्डियां भी करती है और प्रोटीन भी करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 40वां प्रश्न देखते हैं। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो संकुचनशील ऊतक के नाम से कौन सा जाना जाता है, संयोजी ऊतक, रेखित ऊतक, तंत्रिका ऊतक या पेशी ऊतक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए। तो संकुचन कहाँ होता है, संकुचन जैसे हमारे हाथ पैर हैं ऐसे हिलते हैं। ठीक है, और टिश्यू जो है, जो पेशियां जो है काम करती हैं, तो इसमें कौन सा होगा, तो ये होगा पेशी ऊतक। ठीक है, 40 का होगा पेशी ऊतक। ठीक है, चलिए 41वां क्वेश्चन देखते हैं। चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं, चेतना उपकला तंत्रिका पेशीय ये सभी। तो बताइए 41 का राइट आंसर कौन सा होगा। तो लगा दिया होगा आपने ये सभी, बार बार दिखता है ये सभी, उसी को लगा देते हैं। ठीक है, इसका ये सभी आंसर नहीं होगा। तो 41 का जो राइट आंसर है वह है तंत्रिका। ठीक है, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं, तंत्रिका। जब भी सोचने समझने की बात आए माइंड पे पहुंच जाओ। ठीक है, चलिए 42वां क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है श्वेत रक्त कण में यानी WBC, लाल रक्त कण में RBC, लसिका में या ए और बी दोनों में। तो बताइए 42 का राइट आंसर कौन सा होगा। तो फिर से पहुंच गए होंगे आप ऑप्शन डी पे। ठीक है, ये भी गलत है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है RBC में। ठीक है, RBC में। चलिए आगे देखते हैं 43वां प्रश्न। निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, थायराइड पैराथायराइड पिट्यूटरी एड्रिनल। तो बताइए 43 का राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, चलिए यानी पीयूष ग्रंथि, इसी को कहते हैं पीयूष ग्रंथि। ठीक है, 44वां प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है 204, 206, 207, 209। तो बताइए कितनी हड्डियां हैं मानव शरीर में। तो मानव शरीर में जो है 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, चलिए 45वां प्रश्न देखते हैं। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है, टाइलिन रेनिन पेप्सिन लाइपेज। चलिए एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टेज में बदलता है, बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है टाइलिन। हमारे लार में निकलता है, मुंह में निकलता है और यह शर्करा को माल्टेज में बदल देता है। ठीक है,
और आगे रेनिन की बात करें तो रेनिन जो है कैसीन नामक प्रोटीन जो दुग्ध में पाई जाती है उसका पाचन करता है, लाइपेज वसा का अपघटन करता है, पेप्सिन प्रोटीन से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 46वां प्रश्न है, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो बड़ी आंत, यकृत, छोटी आंत, ग्रास नली। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अवशोषण की बात करें, अब्जॉर्प्शन जो होता है वह होता है छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में जो है अवशोषण होता है, बड़ी आंत में बहिष्करण होता है। ठीक है, चलिए 47वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है पिट्यूटरी, वृक्क, थायराइड, यकृत। तो बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है यकृत। ठीक है, मैं यहां पर एक क्वेश्चन आपको क्लियर कर दूं, ग्रंथि और हड्डी दोनों में अंतर क्या होता है? ग्रंथियों से रस निकलता है, हड्डियों से रस नहीं निकलता है, यह भी आप याद रखना। ठीक है, चलिए 48वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? इंसुलिन से दमा, टीबी, डायबिटीज, ये तीनों। तो बताइए कौन सा रोग होता है इंसुलिन की कमी से? तो देखिए इंसुलिन की कमी से जो होता है वह होता है डायबिटीज। ठीक है, ये भी याद रखना, डायबिटीज। चलिए आगे देखते हैं 149वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? तो प्रोटीन, विटामिन, वसा या कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए ऊर्जा के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स आवश्यक है? तो वह है कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और 49 क्वेश्चन थे दोस्तों, एक क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, अगली बार से ऐसा नहीं होगा तो बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जो है आपके कितने प्रश्न सही गए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरीके की मेहनत हम आपके लिए करते रहेंगे, डेली मैं आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लाता रहूंगा। ठीक है, बस आप जो है हमारा साथ दीजिए, हम जो है आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो चलिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।